बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुल्क की खुद मुख्तारी, दिफा, अवाम की सेहत और तालीम वगैरह मुआशी खुशहाली के बगैर मुमकिन नहीं। कर्ज लेने और बैरून मुल्क से बददियानती की रकम की वापसी से मसला हल नहीं होता, बल्कि हल ये है कि अपने मुल्क की पैदावार ज्यादा करें ताकि अशिया की फरावानी से अवाम को सस्ती चीजें मिलें और बरामदात ज्यादा हों और दरामदात कम हों और कर्ज लेने के बजाय कर्ज उतारने के काबिल हों। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। पैदावार ज्यादा करने के लिए ज़राअत और सनत को तरक्की देना होगी। मौजूदा ज़रई जमीन के अलावा बंजर जमीन आबाद करने के लिए पानी जखीरा करने की जरूरत है, यानी डैम। सिर्फ सूबा केपीके में 8 लाख एकड़ बंजर जमीन आबाद होगी, यानी 32,000 मुरब्बा जमीन। इससे कम अज कम 6,400 खानदान आबाद होंगे। ये तो सिर्फ काश्तकार खानदान है, कितने गाँव आबाद होंगे? हर गाँव में काश्तकार खानदानों के साथ दूसरे लोग भी आबाद होंगे। फिर महकमा इनहार और मालियात में बहुत आसामियां पैदा होंगी। दूसरे सूबों की बंजर जमीन आबाद करके करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया होगा। थर में बच्चे गजाई किल्लत से बच जाएंगे। ज़रई अशिया मुल्क में सस्ती दस्तियाब होंगी और वो अशिया बरामद भी की जा सकेंगी और सस्ती बिजली अलग से मिलेगी। ये सब डैम्स की बदौलत मुमकिन है। मुल्क में इस वक्त 3 बड़े मंसूबे जारी हैं, जिनके मुकम्मल होने से पाकिस्तान में बिजली की कमी भी खत्म हो सकती है और बिजली सस्ती भी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको इन 3 बड़े मंसूबों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, दियामिर भाषा डैम। दियामिर भाषा डैम पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरियात के लिए नहायत अहम मंसूबा है। ये मंसूबा दरियाए सिंध पर तरबेला डैम से तकरीबन 315 किलोमीटर बलाई जानिब, जबकि गिलगित से तकरीबन 180 किलोमीटर जेरी जानिब और चलास शहर से 40 किलोमीटर तामीर किया जा रहा है। मंसूबा 2028-29 में मुकम्मल होगा। दियामिर भाषा डैम के 3 बुनियादी मकासद हैं, जिनमें ज़राई मकासद के लिए पानी का जखीरा, सैलाब से बचाव और कम लागत पन बिजली की पैदावार शामिल हैं। डैम में मजमूई तौर पर 81 लाख एकड़ फिट पानी जखीरा होगा, जिसकी बदौलत 12,30,000 एकड़ इजाफी जमीन सैराब होगी। मंसूबे की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है और ये नेशनल ग्रिड को हर साल औसतन 18 अरब यूनिट बिजली मुहैया करेगा। अगर बिजली की यही मकदार थर्मल ज़राए से पैदा की जाए तो कौमी खजाने को हर साल तकरीबन 270 अरब रुपए खर्च करना पड़ेंगे। याद रहे कि थर्मल ज़राए से बिजली की पैदावार की औसत लागत तकरीबन 15 रुपए फी यूनिट है। दियामिर भाषा डैम की तामीर से जेरी जानी वाक्या तरबेला और गाजी बरोथा समेत दीगर मौजूदा पन बिजली घरों की सालाना पैदावार पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे और इन पन बिजली घरों से हर साल 2.5 अरब यूनिट इजाफी बिजली हासिल होगी। सन 1974 में अपनी तकमील के बाद तरबेला डैम पाकिस्तान की मैशत में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। दियामिर भाषा डैम की तामीर से तरबेला डैम की उम्र में मजीद 35 साल का इजाफा हो जाएगा। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट मुकामी लोगों के लिए भी एक नेमत साबित हुआ है। प्रोजेक्ट एरिया में समाजी तरक्की के लिए एतमाद साजी के इकदाम के तहत 78 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान और तकमील के बाद मुकामी लोगों के लिए रोजगार के लिए मौके भी पैदा होंगे। दियामिर भाषा डैम के मरकजी हिस्से की तामीर के लिए 442 अरब रुपए का ठेका पावर चाइना और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को मुश्तरका तौर पर दिया गया है। दियामिर भाषा डैम पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम मंसूबा है। मौजूदा हुकूमत ने एक साल में महमद, दियामिर भाषा जैसे बड़े डैम्स पर काम शुरू किया। इस माहदे से पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात का नया बाब शुरू हो गया है। नंबर 2, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये वो डैम है जिसने दरियाए सिंध का रुख ही तब्दील कर दिया है। सदियों से बहने वाले दरियाए सिंध का रुख सिर्फ इस एक डैम की तामीर में तब्दील कर दिया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 4,320 मेगावाट जबकि पहले मरहले में 2,160 मेगावाट हासिल की जाएगी। ये मंसूबा तकरीबन 5 साल के अंदर मुकम्मल होगा, जिसके बाद ये मंसूबा नेशनल ग्रिड को सालाना 12 अरब यूनिट्स बिजली फ्राहम करेगा, जबकि मंसूबे का दूसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद ये मजीद 9 अरब यूनिट सालाना नेशनल ग्रिड को फ्राहम करेगा। मंसूबे के पहले मरहले की लागत का कुल तखमीना 4 अरब 20 करोड़ डॉलर लगाया गया है, जिससे 4 से 5 साल के दौरान 2,160 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी।
पहले मरहले में डैम की तामीर समेत पावर हाउस के 6 यूनिट्स की तामीर की जाएगी। 4000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करने की सलाहियत के साथ ये 21 अरब से जायद यूनिट बिजली पैदा कर सकेगा, जबकि इसकी पैदावारी सलाहियत तरबेला डैम की मौजूदा सलाहियत से 7 से 8 अरब यूनिट ज्यादा होगी। मंसूबा दूसरे मरहले में भी 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के काबिल होगा और मरकजी डैम तामीर हो जाने और पहले मरहले की तकमील के बाद दूसरा मरहला ज्यादा वक्त नहीं लेगा, जबकि दूसरे मरहले में सिर्फ पावर हाउस की तामीर की जाएगी जिसका तखमीना $2 अरब लगाया गया है। ये अमर काबिले जिक्र है कि 4320 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का हामिल दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरियाए सिंध पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में दासू टाउन से बालाई जानिब तामीर किया जा रहा है। ये तरक्याती मंसूबा न सिर्फ कौमी अहमियत का हामिल है बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी कलीदी अहमियत रखता है, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील से मुल्क की मीशत मुस्तकिम होगी और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा और दूर दराज इलाकों में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए एक नए दौर का आगाज होगा। इस मंसूबे से 3 सेंट फी यूनिट बिजली हासिल की जाएगी, जबकि अभी पाकिस्तान में थर्मल बिजली की लागत औसतन 8 सेंट है। इस मंसूबे से इलाके में मुआशी सरगर्मियां भी तेज होंगी और पाकिस्तान के तेल का दरामदी बजट भी कम होगा। नंबर 3, महमद डैम। पेशावर शहर से 48 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सवाद पर कंक्रीट की मदद से तामीर किए जाने वाले महमद डैम की ऊंचाई 213 मीटर होगी और मंसूबे के तहत इससे 820 मेगावाट बिजली हासिल की और मंसूबे के तहत इससे 820 मेगावाट बिजली हासिल की जा सकेगी। इस डैम की तकमील 5 से 7 साल में मतवक्के है। महमद एजेंसी में दरियाए सवाद पर मेगा प्रोजेक्ट महमद डैम की तामीर का सिलसिला तेजी से जारी है। डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 1.2 मिलियन एकड़ फिट होगी और 820 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। पेशावर, चारसदा और नौशहरा के इलाकों में सैलाब की रोकथाम के साथ साथ KPK के सूबाई दारुल हुकूमत को रोजाना 300 मिलियन गैलन पीने का पानी फराहम होगा। वापडा मुकामी लोगों के लिए प्रोजेक्ट एरिया में तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात पर 4 अरब से जायद रकम खर्च करेगा। महमद डैम की तामीर से योमिया 800 मेगावाट और सालाना 2862 गीगावाट बिजली पैदा होगी और इस पर $3 अरब लागत आएगी, जबकि इसकी तामीर साल 2024 में मुकम्मल होगी। महमद डैम में 12,93,000 एकड़ फिट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी और इस आबी जखीरे से 16,737 एकड़ रकबा सैराब किया जा सकेगा। इसके साथ मजकूरा डैम की तामीर से सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। ये तरक्याती मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी कलीदी अहमियत रखता है, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील से मुल्क की इक्तसादी हालत मुस्तकिम होगी और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा और दूर दराज इलाकों में समाजी और इक्तसादी तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। इस मंसूबे से 3 सेंट फी यूनिट बिजली हासिल की जाएगी। इस मंसूबे से इलाके में मुआशी सरगर्मियां भी तेज होंगी और पाकिस्तान का तेल का दरामदी बिल भी कम होगा। नाज़रीन, आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बरवक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।